एक हादसे के शिकार हुए बैठे हैं, यूं ही नहीं तुम्हारे पास हुए बैठे हैं। और लहजा है दरिया का कि मेहरबान है हम पे, वरना हम समंदर के बहुत खास हुए बैठे क्या हैं। बात है, ये लाइन जब लिखती हैं तो आप इतनी गहराई में कैसे पहुंच जाती हैं? काश मुझे पता होता दुनिया भरी है बेवफाई से, माँ एक तेरा ही आंचल याद आया हर रुआई में। कहा जाता है कि अपने देश में जो है कि टैलेंट की कमी नहीं है, और अगर हर किसी को मौका दिया जाए तो वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। कुछ इसी प्रकार का एक टैलेंट उभरता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, और अभी हम गांधी मैदान पटना में बैठे हुए हैं और हमारे साथ निकिता पटेल जी हैं। काफी अच्छी शायरी बोलती है, काफी अच्छा कविता बोलती है। इनकी शायरी और कविता सुनेंगे तो आप लोग भी जो है कि आत्मविभोर हो जाएंगे, तो आप लोग भी काफी संभाल करके हो जाइए। और इनका जब शायरी सुनेंगे तो आप कहीं ना कहीं जो है कि काफी ज्यादा इनका शायरी पसंद आएगा और काफी ज्यादा आप लोग इनको दुलार देंगे। बाकी सारा बात पे इनसे चर्चा करेंगे और शायरी भी सुनेंगे। बाकी शायरी कैसे कैसे सुनाती है, कैसे शायरियों की शुरुआत हुई और कैसे इस फील्ड में आ गए, इन सभी मुद्दों पे भी चर्चा करेंगे। निकिता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। निकिता जी ये बताइए, सबसे पहले शायरी फील्ड में आप कब से आ गई, कैसे आ गई? अभी 2 साल हुआ है मुझे इस फील्ड में आए हुए। तकरीबन 2 साल से मैं लिख रही हूँ। मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है, मैं बस इसीलिए लिखती हूँ। तो सबसे पहले कोई एक अच्छा सा शायरी सुनाइए, उसके बाद सब कुछ बात विचार। अच्छा, पेशेवर आसिक माना जाता है उन्हें, पेशेवर आसिक माना जाता है उन्हें, बदनाम कई गलियों में हुए हैं और ताल्लुकात कईयों से हैं उनका, ताल्लुकात कईयों से हैं उनका, अनजाने में हम उन पे दिल हारे बैठे हैं और इश्क का सौदा करते देखा है हमने उन्हें, इश्क का सौदा करते देखा है हमने उन्हें, और शामिल उनमें कई हमारे भी अपने हुए क्या हैं। बात है, क्या बात है, ये शायरी वाकई में बहुत ही बेहतरीन है, ये आपने लिखा है? जी। अच्छा, एक पर्सनली चीज पूछ रहे हैं आपसे, अक्सर लोग कहते हैं कि शायर वही लोग बनते हैं जो उस मतलब तरीके से उस दौर से गुजर चुके हैं, ये बात सही है? जी। ये सच्चाई है? जी ये सच्चाई है। मतलब अन्य लोग शायर नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते? बन सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर से आती है, उभर उभर के आती है, तो वो बन सकते हैं। बन सकते हैं। तो आपने 2 सालों पहले जब इसकी शुरुआत की थी तो आपको नहीं लगा कि ये कठिन है, इस रास्ते को चलना बड़ी मुश्किल है? जी बिल्कुल नहीं, मुझे लिखना पसंद है कि जब मैं लिख लेती हूँ ना तो मुझे अंदर से बहुत ही हल्का महसूस होता है, तो इसीलिए मैं लिखती हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, कुछ और सारी। एक हादसे के शिकार हुए बैठे हैं, एक हादसे के शिकार हुए बैठे हैं, यूं ही नहीं तुम्हारे पास हुए बैठे हैं। और लहजा है दरिया का कि मेहरबान है हम पे, लहजा है दरिया का कि मेहरबान है हम पे, वरना हम समंदर के बहुत खास हुए बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाकई में ये लाइन जब लिखती हैं तो आप इतनी गहराई में कैसे पहुंच जाती हैं? जी मालूम नहीं कैसे पहुंच जाती हूँ, बट लिखा जाता है, अंदर से आती है। कलम जब उठाती हैं तो इतना अंदर तक पहुंच जाती है। पेन उठाती हूँ, कॉपी रहता है सामने और वो अंदर से आता है, लिख देती हूँ। बहुत अच्छी बात है। ये सब लाइन कब लिखा आप? ये तो अभी हाल फिलहाल एक वीक पहले। एक वीक पहले। हाँ। और इन 2 सालों में कितनी शायरी या कविता आपने लिखी? तकरीबन 300। 300 प्लस? हाँ। ये सब किसी मंच पे आप लोग साझा करते हैं या बस ऐसे लिख करके याद करके छोड़ देते हैं? जी नहीं, मैं ओपन माइक में जाती हूँ, कुछ कुछ ओपन माइक है पटना में जो हम लोगों को परफॉर्म करने का मौका देते हैं, तो मैं उनमें जा के परफॉर्म करती हूँ। मतलब किसी किसी मंच पे जाती हैं? हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, कुछ और कविता भी सुनाती हैं आप क्या? कुछ कविता, कुछ शायरी और सुनाइए। कविता है तो थोड़ा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो सुनाइए। सुनिए। वो आज कमरे में बंद होकर दिन रात सो रही है, लगता है किसी हादसे में बर्बाद होकर रो रही है। वो आज कमरे में बंद होकर दिन रात सो रही है, लगता है किसी हादसे में बर्बाद होकर रो रही है। वो जो कल बातें करती रहती थी अपने महबूब की, वो आज एक कोने में खुद को झिकझोर रही है। कोई जब कहता था कि महबूब फरेब है तुम्हारा, कोई जब कहता था कि महबूब फरेब है तुम्हारा, तो बदले में कहती थी मैं रोऊं तो वो भी रोएगा, मैं ना सोऊं तो वो भी ना सोएगा, मैं खिलखिलाऊं तो वो भी खिलखिलाएगा, मैं जो रूठ जाऊं तो वो भी रूठ जाएगा, मैं जो रूठ जाऊं तो वो सह ना पाएगा, मैं जो छोड़ जाऊं तो वो दफन ही हो जाएगा, मैं जो छोड़ जाऊं तो वो दफन ही हो जाएगा, उसमें कहां इतना दम कि मुझे भुलाएगा, और मैं दूर हो जाऊं उसके सी
जीने से तो दिल ही बाहर आ जाएगा। कुछ तुम्हें पता नहीं, मैं उसे खुद से ज़्यादा जानती हूँ। मैं तो उसे बहुत अंदर से पहचानती हूँ। वो दिन रात मेरे ख्यालों में सोता है। मैं तो उसकी तेज़ धड़कनों का रफ्तार हूँ। मैं सबसे ज़्यादा उसको ही जानती हूँ। वो जो एक बार कह दे जहर पी ले, मैं तो आँख बंद करके मानती हूँ। वो आज कमरे में अकेले सो रही है। ना उसका महबूब रहा साथी, ना उसका मोहब्बत यकीन रहा बाकी। ना उसका महबूब रहा साथी, ना उसका मोहब्बत यकीन रहा बाकी। इतने सारे कस्मे वादे को छंद भर में तोड़ डाला। जिसके लिए था वो अपनी जान देता, उसी ने आज उसको जीते जी है मार डाला। वो आज एक कमरे में बंद होकर दिन रात सो रही है। वो जो कल बातें करते रहती थी अपने महबूब की, वो आज एक कोने में खुद को झिकझोर रही है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये लाइन तो वाकई में काफी गहराई से लिखा गया होगा। जी, ये मैंने आज सुबह सुबह लिखा है। इतना जल्दी? हाँ, बस 15 मिनट लगा। इतनी लंबी कविता 15 मिनट में? जी। यानी कवि बनना आसान है? पता नहीं, मेरे अंदर से आती है। मैंने पहले भी बताया आपको कि मेरे अंदर से आती है, तो मैं जो भी आता है मैं उसको लिखते जाती हूँ, तो वो बड़ी हो जाती है। अच्छा, इसकी शुरुआत का मतलब कहानी कैसे शुरुआत हो गई? शुरुआत हुआ था जो रियलिटी होगा। हाँ, वो जो रियलिटी है मैं वही बता रही हूँ। मेरे छोटे वाले मामा की एक बेटी है, तो उसको देख के ना मतलब मुझे बहुत खुशी हुआ था। वो प्यारी सी, बहुत छोटी सी, उसको देखे थे गोद में मम्मी के, तो उसी के ऊपर लिखे थे। सबसे मेरा सबसे पहला पोइट्री जो था वो उसी के लिए था, तो वहीं से मेरा पोइट्री का शुरुआत हुआ, तो वहीं से फिर आज तक लिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और इन 2 सालों के बीच में आपने किन किन परेशानियों का सामना किया? बहुत सारे परेशानियों का सामना किया। मेरा ग्रेजुएशन भी चल रहा था, तो फैमिली वाले भी कुछ दूर के रिलेटिव्स होते जो बोलते हैं कि लिख के क्या करोगी, पढ़ाई पे ध्यान दो, लिखने से क्या हो जाएगा। बहुत से ऐसे हैं जो आए और चले गए। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ हैं जो बोले थे कि बहुत है लिखने वाले यहाँ पे मार्केट में, आए लिखे और चले गए। मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया, मैंने अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू किया और इसे भी साथ साथ लिखा। बहुत अच्छी बात है। और कुछ शायरी वगैरह है आपके पास? जी, और भी है, आपको सुनना है तो सुनाती हूँ। अच्छा, मेरे नसीब पे ताजुब करते हो, कभी मुझे चीख चीख के रोते देखा है? अच्छा, मेरे नसीब पे ताजुब करते हो, कभी मुझे चीख चीख के रोते देखा है? और कहते हो कि सुंदरता अंदर से निखरी हुई है, कहते हो कि सुंदरता अंदर से निखरी हुई है, कभी आईने के सामने आंसू बहाते देखा है? क्या बात है। मेरी मासूमियत भरी मुस्कुराहट की तारीफ करते हो, मेरी मासूमियत भरी मुस्कुराहट की तारीफ करते हो, कभी मुझे मेरी बिखरी जिंदगी का दर्द अपने हंसी के पीछे छिपाते देखा है? क्या बात है, क्या बात है। कहते हो कि खुदा का दिया सब कुछ है मेरे पास, कहते हो कि खुदा का दिया सब कुछ है मेरे पास, कभी मुझे मेरे सबसे प्यारे शख्स से बिछड़ते हुए देखा है? और लगता है तुम्हें कि अंदर से बहुत शांत हूँ मैं, लगता है तुम्हें कि अंदर से बहुत ही शांत हूँ मैं, ज़रा ये तो बताओ क्या कभी तुमने मुझे गले से लगा कर देखा है? क्या बात है, क्या बात है। ये जो अभी तक जो शायरी आप सुनाई है, चाहे कविता सुनाई है, ये सारा इमोशनल है, सारा सैड शायरी है, सारा जो है कि ये कहीं कुछ ऐसा हुआ होगा, भले आपके साथ हुआ हो या किसी और के साथ? नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरे से सारा बात शेयर करती है, तो मैं उसका इमेजिन करके और खुद के ऊपर लेके उसके बाद मैं लिखती हूँ। तो कुछ मान लीजिए इमोशनल जो शायरी है, इसके अलावा कुछ ऐसी शायरी जो फैमिली से रिलेटेड हो, या फिर कुछ हंसने वाला, कुछ बहुत तरह की शायरियाँ होती है ना, कुछ आपको याद है या फिर बस सैड शायरी? जी, मैं माँ के लिए कुछ बोलना चाहूँगी, उनके लिए मैंने लिखा था। पहले 2 लाइन बोलती हूँ, फिर आगे का पढ़ूंगी। काश मुझे पता होता दुनिया भरी है बेवफाई से, काश मुझे पता होता दुनिया भरी है बेवफाई से, माँ एक तेरा ही आंचल याद आया हर जुआई में। क्या बात है, क्या बात है। और आगे है, कितनी रातों को मुझे तपते बुखार से निकाला,
कितनी रातों को मुझे तपते बुखार से निकाला, अपने हिस्से का निवाला मुझे खिलाया, अपने हिस्से का निवाला मुझे खिलाया, तपती धूप में अपनी आंचल को मेरा छाता बनाया, जब भी मैं रोई डांट के तो कभी प्यार से मनाया, इतनी मुश्किलों का सामना करके मेरी माँ ने मुझे इतना बड़ा बनाया। क्या बात है, क्या बात है, वाकई में माँ ने जो कष्ट सही है ना, सभी बच्चों के लिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, वो कष्ट शायद दुनिया में कोई नहीं सह सकता। सही बात है, जरूर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कुछ आपके पास? हाँ, मैं भगवान के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। तो प्रेम रंग में रंगे रहो, प्रेम रंग में रंगे रहो, फिर दूजा ना कोई रंग भावेगा, करो प्रेम तुम ईश्वर से, करो प्रेम तुम ईश्वर से, ईश्वर ही तुम पे दया दिखावेगा, स्वच्छ मन सद्भावना से पुकारो उनको, उनकी दृष्टि सदैव तुम पे रहेगा, उनको अपनी दुनिया में रंग के तो देखो, जीवन तुम्हारा भी रंगीला हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, सच में जो है कि देवी देवता को जो लोग मानते हैं, अगर उनमें जो है कि विलुप्त हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है, और सब लोग चाहते हैं कि देवी देवता को जो है कि पसंद करे और प्यार दुलार करे। कुछ और है आपके पास? एक है सफलता के लिए, मैं सबके लिए बोलना चाहूंगी, सबको ये स्ट्रगल कर रहा है, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये उन सभी के लिए है। सफलता यूं ही नहीं मिलती, सफलता यूं ही नहीं मिलती, रात के अंधेरों में जलना पड़ेगा, 10 बार गिर के फिर उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, अपनी इच्छा का गला घोट, किताबों के पन्नों का रस पीना पड़ेगा, चल उठ भाग, सफलता तेरे पीछे नहीं, तुझे सफलता के पीछे भागना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, वाकई में ये जो लाइनें निकिता ने बोली है, ये लाइनें जो है कि दिल को छू जाती है, चाहे वो जो है कि स्ट्रगल के ऊपर हो, चाहे मम्मी पापा के ऊपर हो, चाहे भगवान के ऊपर हो, या फिर जो भी सैड शायरी इन्होंने बोला है, वाकई में ये सारी शायरियाँ जो है कि गहराई से लिखी गई है, और कभी कोई ऐसे नहीं बनता, काफ़ी सारे जो है कि स्ट्रगल करना पड़ता है, और जो है कि जिनके अंदर वो प्रतिभा होती है, जिनके अंदर वो हुनर होता है, शायद वही लोग कवि बन सकते हैं। बाकी निकिता की शायरी आप लोगों को कैसी लगी, इनका कविता कैसा लगा, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।